The fourth type of electrode is metal oxide hydroxide स्क्रीन पे जूम का दिखा रहा है मेटल मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाफ सेल्स What happens is the metal atom over here, the metal with the metal atom, metal from metal rod, metal atom from metal rod, it reacts with hydroxides, yeah, to form metal hydroxide first. Metal hydroxide, which then decomposes. So it initially forms this thing. MOH form, the MOH or metal hydroxide is very unstable, and hence forms, oh sorry, and hence decomposes into decomposes metal oxide and readily.
ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली दिस द ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक। सो बेसिकली ये हुआ, फिर एम ओ एच एम टू ओ एन प्लस Thus the overall reaction becomes thus overall the reaction becomes n plus NOH minus gives M2O plus ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ओएचसी नाउ बॉय केस ये डिनोट कैसे करेंगे इस हाफ सेल को? सो इट इज गोइंग टू बी M, comma, M2O N, OH minus. Okay, this is the notation for this half cell. Calculations. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है मुझे तो मेनिया केसेस में आपको इस हाइड्रोक्स सॉरी इसका इनोड वैल्यू दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन केस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक्चुअली यहाँ पर दो मतलब देर आर गोइंग टू बी टू इक्वेशंस जो कि रहेंगे साइडर्स यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो तीन रिएक्शंस रहते हैं। पहला रिएक्शन रहता है एम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा रिएक्शन रहता है दिस एम एन प्लस देन रिएक्ट विथ ओ एच माइनस ऑब्वियसली एन ओ एच माइनस टू फॉर्म एम ओ एच एन and it then decomposes to
M2 plus NH2. इन तो तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा M प्लस एन ओ एच माइनस एम टू प्लस एन एच टू प्लस एन एन एच वन। क्लियर है ये तीनों रिएक्शंस? यस सर, ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एम एन प्लस। ठीक है, ये क्या होगा, कैन आई कॉल इट फॉर्मेशन कांस्टेंट? याद है फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, एरिया में बताया था क्या, डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट। कंपाउंड्स ब्रेक डाउन करते हैं, कंपाउंड ब्रेक डाउन करता है, दैट गिव्स राइज टू डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यस सर, एंड दो आयन्स मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट, राइट? तो ये बेसिकली इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम विल बी कि फॉर्मेशन, इज दैट ओके? यस सर, सो कंसेंट्रेशन ऑफ एमओएच एन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एमएन प्लस हाइड्रोक्साइड एन। ठीक है, और ये थर्ड वाले का ये डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, दैट ओके? यस सर, ये सॉलिड रहेगा, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये एक्वस रहता है, वाटर के कंसेंट्रेशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ग्रेट एक्सेस में रहता है, तो दैट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो द ओनली थिंग ऑन व्हिच आर डिसोसिएशन कांस्टेंट विल डिपेंड, या डिसोसिएशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिप्रेजेंटेड बाय वन बाय कंसेंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड स्पीसीज। ठीक है, एनीवे इसका ई नॉट जनरली हमको दिया रहता है, इट्स ई नॉट इज प्रोवाइडेड, इफ नॉट प्रोवाइडेड देन वी कैन ऐड दीज थ्री, कन्वर्ट देम इनटू डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट, अब रेस्पेक्टिवली ऐड देम एंड देन इक्वेट विथ डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इज दैट ओके? यस सर, सो बट जनरली हमको ये वाली चीज दी रहेगी, मेटल मेटल ऑक्साइड ओएच माइनस, और हमें प्राइमरली ये नॉन स्टैंडर्ड वाला जो है, नॉन स्टैंडर्ड वाला इज गोइंग टू बी
RT by NF log, यहां पे हमारे पास इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच विल बी इक्वल टू क्यू इज दैट ओके दैट्स द ओनली स्पेसेस टू बी अकाउंटेड फॉर इन दिस फाइनल रिएक्शन. राइट यस सर. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एन इधर आ जाएगा माइनस एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कैंसिल. सो वी मे राइट इट एज ई नॉट एम एम टू ओ एन विच माइनस प्लस 2.303 आर टी बाई एफ log OH minus. Okay. इसका एक एग्जाम्पल जो है वो इट कैन बी दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एच जी एच जी ओ एच माइनस दिस इलेक्ट्रोड. The cell reaction for this is, or half cell reaction is Hg reacting with 2OH minus this to form HgO solid plus H2O. और इसके हिसाब से ये हो जाएगा एच जी एच जी ओ तो एच माइनस इज इक्वल टू ई नॉट एच जी एच जी ओ एच माइनस प्लस इसको भी रिप्लेस करना है तो वी कैन राइट इट एज 0.0591 लॉग OH minus. ठीक है. द अदर हाफ सेल्स ऑफ दिस नेचर कुड बी thank you.
And this was the example which I have taken in the beginning of this session, like iron getting oxidized to Fe2 plus and 2 electrons. Further, Fe2 plus is again getting oxidized to maybe Fe3 plus and 1 electron more. These two electrodes are now internally getting added up to form Fe going to Fe3 plus 3 electrons. Okay. If this is E1, this is E2, then this E3, obviously it will be not and not. E3, free energy corresponding to it will be this. N1 F E1 is equal to minus N1 F. That will be the standard electrode potential of third electrode, and non-standard wala calculate karna hoga to that will come from E3 is equal to E3 naught minus 2.3 naught D RT N3 F log concentration of Fe3 plus, right? Yes, sir. That will be Q for this reaction. So this will be our final listing. ठीक है, इसमें इवन दिस पार्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सर. अच्छा एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये फाइनल वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, द ब्लू कलर्ड हाफ सेल्स, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज मेटल मेटल आयन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. अगर ये रिएक्शन इंडिपेंडेंटली कहीं पर हो रहा है अलग से, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल. और इस वाले केस में बेसिकली स्टैंडर्ड वाला वैल्यू तो यही हो जाएगा, दिस वन इज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड वैल्यूज. नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू कैन बी रिटेन एज
E2 is equal to E2 naught minus 2.303 by N2 F log Fe3 plus Fe2 plus. ठीक है, ये मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E2 नॉट जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जनरली ये दो सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को इजीली मिल जाते हैं, और इससे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना होता है यूजिंग दिस मेथडोलॉजी। इज दैट ओके? यस सर। So that is another type of half cell. The last one is there is something called as twin hadron half cell. Twin hadron oxidation half cell is generally given as OH. Twin hydron क्या होता है? स्ट्रक्चर बता देता हूँ। Twin hydron H plus aqueous. Twin hydron is this particular compound. One four diphenol is known as sorry. This is the 1,4-diphenol, no? This one is twin hydron. So many Okay. Twin hydron plus twice H plus plus 2 electrons. Electrode potential is simply going to be written as